यह भव्य और दिव्य कार्यक्रम भगवान परशुराम जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। जयंती हुए एक माह से ऊपर हो गया, लेकिन कार्यक्रमों का सिलसिला पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं जारी है। यह इस बात का प्रतीक है हमारे इष्ट भगवान परशुराम जी के लिए कि हजारों वर्ष नरगिस अपनी बेदूरी पर होती है, हजारों वर्ष नरगिस अपनी बेदूरी पर होती है। बड़ी मुश्किल से पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में नींदवर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है। मित्रों, अभी श्रीकांत जी को मैं सुन रहा था, तो ब्राह्मण के योग्य अनुकरणीय कार्यों को और हमारे अतीत के जो पुण्य कार्य थे उनके बारे में बड़े खूबसूरती से जोड़ रहे थे वर्तमान को और अतीत को, और ये बता रहे थे कि हमको क्या करना चाहिए। विप्रोदय हमेशा पूर्णता की ओर सो जा रहे हैं, ब्राह्मण हमेशा पूर्णता की ओर सोचता है, और यही कारण है कि उसका इष्ट भी पूर्ण रूप से जो था उसे उसने बनाया। अवतार हुए इस धरती पर, जब भी इस धरती या मानवता आता था उसे परेशान हुई, पीड़ित हुई, उत्पीड़ित हुई, तो भगवान ने किसी ना किसी रूप में अवतार लिया, और जब ईश्वरी शक्ति ने अवतार लिया तो उसका भी अगर हम क्रम देखें तो परशुराम पहले पूर्ण अवतार थे, पूर्ण पुरुष के रूप में अवतार थे, क्योंकि पहला अवतार मत्स्य अवतार के रूप में हुआ, मछली के रूप में जो जलचर है, पानी के बाहर आके मछली का जीवन समाप्त हो जाता है, तो पहला अवतार हुआ जलचर, एक पशु के रूप में एक प्राणी। दूसरा अवतार हुआ कच्छप अवतार के रूप में, ईश्वर ने अवतार लिया, यानी विकासवाद का चरण शुरू हुआ। कच्छप कछुआ पानी में तो पैदा होता है लेकिन थल पर भी चल सकता है, जलचर होने के साथ थल पर जीवित रह सकता है, ये दूसरा अवतार।